उन्होंने कहा कि अगर एक्सरे या ईसीजी हो रहा है तो दूसरे मरीज को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए ईसीजी और एक्सरे मशीन को अलग अलग स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सोलन वासियों को वायदे तो किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले रोगी बेहद परेशानी झेल रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर कमल अडवाल ने बताया कि बेशक एक्सरे और ईसीजी मशीन को एक कमरे में स्थापित किया गया है, लेकिन अगर ईसीजी होता तो पर्दा कर दिया जाता है और एक्सरे के लिए रोगी को बाहर इंतजार करना पड़ता है। एक्सरे और ईसीजी एक कमरे पर नहीं करवाए जाते हैं, जिसके चलते रोगियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सोलन के जाने माने व्यापारी की कार पर हमला करने वाले दो दहशतगर्दों को पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद परमाणु से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि पिछले कल संजय मित्तल की कार पर कुछ अनजान लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था और हमला करने के बाद वे मौके से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और उनका लगातार पीछा किया। चंडीगढ़ जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई, परिणाम स्वरूप दोनों दहशतगर्द इससे पहले कि हिमाचल की सीमा लांघते पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन में व्यवसायी की कार पर दो व्यक्तियों ने हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। इन दोनों को TTR के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये दोनों दहशतगर्द हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति सुखदीप है, जो हिसार का रहने वाला है, वहीं दूसरा हमलावर गुरमीत, जो जींद का रहने वाला है। ये दोनों सफेद रंग की कार से भागने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा है ताकि दोनों हमलावरों से ये पता चल सके कि आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह रही और इन्होंने किस उद्देश्य से ये हमला किया। पुलिस ये जानने का भी प्रयास कर रही है कि आखिर इस घटना को उन्होंने किसी के कहने पर अंजाम दिया या किसी साजिश के तहत ये हमला किया गया। राष्ट्रीय व नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में प्रदेश पर रामपुर का नाम रोशन करने वाले बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए खेल प्रेमियों ने रामपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से हाल ही में नॉर्थ जोन सीनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीतने वालों को भी सम्मानित किया गया। नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में रामपुर क्षेत्र के 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस तरह के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर करते हुए खेलों के प्रति आकर्षित करना है। इसके साथ युवाओं को प्रेरणा मिले कि इन दूरदराज क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों ने विकट परिस्थितियों में भी मेडल हासिल किया है तो वे इस मुकाम तक कैसे नहीं पहुँच सकते। बॉक्सिंग कोच तिलक शर्मा ने बताया कि रामपुर में बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो बच्चे हाल ही में नॉर्थ जोन सीनियर वर्ग में मेडल लिया था, जिनमें नॉर्थ जोन के बेस्ट बॉक्सर और गोल्ड मेडल लिस्ट इन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें तराशने के लिए संसाधनों का अभाव है, इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि साई का एक सब सेंटर रामपुर में हो, वहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड कोच कोचिंग दे, ताकि बच्चे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकें। राहुल ने बताया कि वे रामपुर उपमंडल के सबसे दुर्गम क्षेत्र कूट पंचायत के कुत्रू के रहने वाले हैं। विकट परिस्थितियों में उन्होंने कठिन परिश्रम कर बॉक्सिंग में आगे आए हैं। हाल ही में उन्होंने नॉर्थ जोन में बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र के छात्रों को खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिलती है तो वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते हैं।